सर अभी आप क्या कर रहे हैं? जी हम अपने स्टूडेंटों का फीस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो सर हमें भी बताइए कि इस फीस रिकॉर्ड को कैसे बनाया जाता है। जी देखिए ध्यानपूर्वक इसको समझिए। देखिए हमने अपने संस्था का नाम लिख दिया है इस प्रोफार्मा में। सबसे पहले रमा टेक्निकल कॉलेज बाई निकट नगर कोतवाली काली भवानी मंदिर गोंडा स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड हमने लिख दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पहला कॉलम सीरियल नंबर दिया है और यहाँ पर रसीद नंबर और रोल नंबर और जिस मंथ से आपका सीजन शुरू हुआ है यहाँ से 12 मंथ का हमने नाम लिख दिया है। अप्रैल मई जून जुलाई यहाँ से करके 12 मंथ का हमने नाम लिखा है। वो स्टूडेंट किस कोर्स में एडमिशन हमारे यहाँ लिया हुआ है, कौन से कोर्स में वो पढ़ाई कर रहा है, टोटल फीस किस कोर्स का कितना फीस है, मंथली फीस उस फीस को आप प्रत्येक माह में कितने रुपए के हिसाब से चार्ज करते हैं, पेड फीस वो कितने मंथ का फीस दे चुका है, रिमेनिंग फीस कितने मंथ का देना बाकी है, डिपॉजिट कितना जमा कर चुका है और कितना जमा होना बाकी है, यहाँ पर डिपॉजिट में कितना जमा कर चुका है और बैलेंस अमाउंट में कितना जमा होना बाकी है हमने लिखा है जी। अब इसके लिए आप समझिए, देखिए रसीद नंबर इस बच्चे का है 1073, इसका रसीद नंबर है हमने लिख दिया, और रूल नंबर इसका 1745, इसका रूल नंबर है 1745 हमने लिख दिया है। मई महीने में अब यहाँ से प्रेजेंट और अब्सेंट का अगर आप मार्क लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर फॉन्ट पर आएंगे, फॉन्ट पे आने के बाद डब्ल्यू प्रेस करें, बीडिंग टू को लीजिए और फिर यहाँ पर ऐसे पी प्रेस करते जाएं, जिस जिस मंथ में बच्चा फीस पेड कर चुका है ऐसे पी प्रेस करते जाएं, जिस मंथ में नहीं दिया उसको ब्लैंक कर लें। अब यहाँ से हमको ये ज्ञात करना है कि बच्चा कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया है, तो हम मानते हैं डीसीए कोर्स ये करें, हमने डीसीए लिख दिया। टोटल फीस ये इस कोर्स का कितना है, तो हम मानते हमारे यहाँ 8400 रुपया इस कोर्स का टोटल फीस है। अब जो मंथली वाइज लेते हैं प्रत्येक माह का फीस जो है वो 700 रुपया है। अब पेड फीस हमको ज्ञात करना है कि बच्चा कितने दिन का फीस हमको दे चुका है, तो यहाँ पे आप चूज करें। देखिए यहाँ से आने के बाद सबसे इसको लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करें और ब्रैकेट करें, यहाँ से लेकर के जहाँ से आपने मंथ का दिया है पूरा ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कामा करें, डबल टू कामा करें, प्रेजेंट आपको ज्ञात करना है तो पी को ऐसे प्रेस करें, डबल टू कामा बंद कर दें और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिए। यहां से देखिए 7 मंथ का फीस ये बच्चा हमको दे चुका है, रिमेनिंग फीस कितने मंथ का फीस देना बाकी है, इक्वल करें और यहां पर लिखिएगा काउंट ब्लैंक लिखिएगा, काउंट ब्लैंक लिखने के बाद ब्रैकेट को ऐसे ओपन करें और फिर यहां से देखिए यहां से लेकर के जितने मंथ इन सबको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें, बंद करके इंटर कर दें। अब यहां 5 मंथ का फीस इस बच्चे का अभी बाकी है। अब कितना डिपॉजिट कर चुका है, जमा कितना कर चुका है, यह हमको ज्ञात करना है। इक्वल करिएगा, ब्रैकेट करिएगा, यहाँ पेड फीस पर क्लिक करें और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं और यहाँ मंथ वाले फीस पर चूज कर लें, यानी 700 रुपया मंथली इसको सेट कर दीजिए और बंद करके इंटर कर दीजिए। अब ये 49 रुपया हमको फीस दे चुके हैं, अब इनका कितना बाकी हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इक्वल लिखिएगा, ब्रैकेट करिएगा, रिमेनिंग फीस को चूज करें, इस कॉलम को सेलेक्ट करें, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं और फिर यहाँ पेड फीस जो मंथली फीस है इसको आप चूज कर लें और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दें। यहाँ से देखिए 3500 रुपया इनका फीस जमा होना बाकी है। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सारे स्टूडेंट का फीस रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सर।